गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन योर ई लर्निंग इंग्लिश क्लास। एज वी आर रीडिंग चैप्टर द एनिमी एंड वी आर रीडिंग ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक। ओपन योर टेक्स्ट बुक फॉर द सेम। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ यूमी कम विद मी। तो जैसा कि कल हमने रीडिंग में पढ़ा था कि हमारी यूमी को बुलाने के लिए हमारी हाना जाती है नर्सरी में और बच्चे को लाड करने के लिए वो अपने बेबी के काले बालों पर अपना हाथ और मुंह थोड़ा सा फेरती है और यूमी को बोलती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड। तो हाना की इस बात का जवाब यूमी देती है कि ही इज रेडी, ही वुड स्टैंड फॉर द बेबी, कि बच्चा तैयार है यानी कि सोने के लिए, और मैं उसको बेड पर यानी कि बिस्तर पर लिटाकर अभी आती हूँ। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम। तो हमारी हाना यूमी के साथ नेक्स्ट बेडरूम में जाती है, टू द नर्सरी, जो नर्सरी से अगली ही अगला कमरा जो है वो बेडरूम है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, खड़ी होती है बॉय बेबी को अपने हाथ में लेकर, और इस टाइम हमारी जो यूमी है स्प्रेड द स्लीपिंग कुलट्स, जो रुझाने वाले गद्दे या रुझाई हैं उसको फ्लोर पर बिछा रही है ताकि बच्चे को उसको लिटा सके। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। उसके बाद हमारी हाना किचन की तरफ बढ़ती है दबे पांव से हम यूमी को लेकर। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड टू देम। वहां पर दो नौकर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, उनके अंदर डर बना हुआ है क्योंकि अभी अभी उनका जो मालिक है उनको कुछ बताकर गया है। उनमें से द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा माली है घर का, हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट, जो घर का रसोईया या घर का नौकर भी है, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। वो क्या करता है, अपने अपर लिप यानी कि अपनी मूंछ के थोड़े से बाल उखाड़ लिए हैं उसने। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। ब्लंटली वर्ड वैसे होता है हुंडा या तीखापन, तो तीखे का शार्प होता है। तो उसने साफ साफ ये बोल दिया, ब्लंटली मतलब तीखे स्वर में ये बोल दिया कि हमारे मास्टर को इस आदमी का जो घाव है उसको ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस गोरे आदमी को मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, तो देखो सबसे पहले इसको गोली लगी है। देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्र में फंस गया ये अनबाउंडेड, समुद्र की जो टारों ने इसको जख्म दिए, और अगर मालिक इसको ठीक करेगा, हील करेगा, तो मे बी जो गन है वो हमसे बदला लेगी या फिर समुद्र हमसे बदला जरूर लेगा। मिंटो से यहाँ पे वो ओल्ड गार्डनर सुपरस्टिशन अंधविश्वास को कायम रखता है, ये बताना चाहता है कि जिस इंसान के लिए प्रकृति भी खुश नहीं है कि इसको बचाया जाए, उसको हमारे मालिक को नहीं बचाना चाहिए। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टली। तो हमारे गार्डनर की इस बात का हाना ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि ठीक है, जैसा तुम लोग कह रहे हो मैं मालिक को तुम्हारे यानी कि सदाव को बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्रेटेंड, वो खुद भी तो डरी हुई है। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, ये बात अलग है कि वो अंधविश्वासी नहीं है जैसा कि ओल्ड मैन है। वॉज इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, वो खुद भी यही सोचती है कि एक दुश्मन की मदद करना सही हो सकता है। नेवर दी लेस शी टोल्ड यू मी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम देयर द वाइट मैन। चलो उसने सब कुछ इस बात को छोड़ा, उसके बाद यूमी को बोला कि गर्म पानी की बाल्टी लेकर कहाँ पर आ जाओ, उस कमरे में आ जाओ जहाँ पर गोरा आदमी है। शी वेंट अहेड, वो आगे की तरफ चलती है, एंड स्लिड बैक द पार्टीशन, स्लिड करना खिसकाना, और कमरे की जो पार्टीशन की हुई है उसको थोड़ा सा खिसकाती है। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी तक उस कमरे में नहीं है। यूमी फॉलो करती है हमारी हाना को, वुडन बकेट जो है पानी की उसके हाथ में है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, गोरे आदमी के पास गई। वेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस क्या होता है, जिद्दीपन। तो जैसे उसने उस वाइट मैन को देखा हमारी यूमी ने, उसने क्या किया, अपने मोटे होठों को सिखोड़ लिया और थोड़ी जिद्दी सी हो गई। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, और बोलती अपनी मालकिन को खाना को कि मैं इस गोरे आदमी को साफ नहीं करूंगी, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और वो भी इतने गंदे को, वो तो बिल्कुल भी नहीं। हाना क्राइड एट हर सेवर्डली, सेवर्डली कठोरता से। जब यूमी ने मना कर दिया तो हमारी हाना गुस्से से चिल्लाती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना ही होगा जो तुम्हारा मास्टर यानी कि तुम्हारी मालकिन तुम्हें बोल रही है। देर वॉज अ पार्शियल लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट द हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। अब जब हाना ने इस तरह से जवाब दिया तो यूमी के चेहरे पर जो गोल चेहरा है उसके ऊपर रेसिस्टेंस, विरोध के भाव और तीखापन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा हाना ने देखा कि नहीं, उसको थोड़ा डर सा महसूस हुआ, उसको ये लगा कि नहीं उसको यूमी को इतना गुस्सा और अपना इतने कमांडिंग नहीं दिखानी चाहिए। हो सकता है द सर्वेंट शुड रिपोर्ट, कि अगर मैं इतना गुस्सा दिखाऊंगी तो हो सकता है कि जो सर्वेंट्स है वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे और वो हो जाए जो नहीं
होना चाहिए। ठीक है, शी सेड विद डिग्निटी, बड़े प्यार से बोलती है सलीके से कि ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू द सेंस, और ये बात तुम समझ लो यूमी कि हम सिर्फ इसको होश में लाना चाहते हैं, उसके बाद हम इसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इसको पुलिस को हैंडओवर कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। तो यूमी बोलती है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो एक गरीब सी हूँ और ये मेरा काम भी नहीं है। तो हनन इसको जवाब दे तो ठीक है, देन प्लीज रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो ठीक है अगर ये तुम्हारा काम नहीं है तो जो तुम्हारा काम है उसको वापस चले जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे ही यूमी कमरा छोड़कर गई, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इस टाइम हमारे जो हाना है वो उस अमेरिकन के साथ अकेली है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन हर। देखो ये ध्यान रखो कि वो खुद डरी हुई है, वो अकेले उस कमरे में नहीं रहना चाहती, लेकिन अब वो उस कमरे में है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टबर्ननेस, जिद्दीपन के कारण, क्योंकि अभी यूमी उसको गुस्सा दिलाकर गई है और गुस्से में हमें होता है कि जो काम हम नहीं भी करना चाहते वो हम लोग कर लेते हैं। स्टुपिड यूमी बोलती है, शी मटर्ड फायरलेसली, गुस्से से बोलती है, बड़बड़ाती है कि बेवकूफ यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, कुछ है क्या ये, बेचारा एक आदमी तो है एंड अ बाउंडेड हेल्पलेस मैन, वो भी एक निसहाय और घायल आदमी। इन द कन्विंशन ऑफ हर ऑन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। तो अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए, विश्वास की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए हमारी हाना थोड़ी सी झुकती है। उसने जो नॉटेड यानी कि गठीले चिथड़े वगैरह उसने पहने हुए थे अमेरिकन ने, उनको खोलती है जिनसे कि हमारा गोरा आदमी ढका हुआ था। व्हेन शी हैड हिज ब्रिस्ट, जैसे उसने उसकी छाती को मतलब साफ करने के लिए उसके कपड़े वगैरह को वहाँ से हटाया, उन चिथड़ों को, दैट यूमी हैड ब्रॉट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर, एक टॉवल लिया उसको भिगोया पानी में गर्म में, स्टीम ली उसकी थोड़ी सी और उसका चेहरा और उसके बॉडी को साफ करती है, उसके चेहरे को साफ किया। जैसे उसके चेहरे को साफ किया द मैन स्किन दो रफ, देखा कि जो इंसान की जो स्किन है त्वचा है वो मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी खुरदरी हो गई है विद एक्सपोजर, वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन त्वचा उसकी अच्छी है, एंड मोस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और देखा कि ये बच्चा जो है इसकी स्किन बचपन में बड़ी सॉफ्ट रही होगी, बड़ी सुंदर रही होगी। व्हाइल शी वाज थिंकिंग दिस थॉट्स, जब हमारी हाना ये सब बातें सोच रही है, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, ये बात अलग है कि वो इस इंसान को पसंद नहीं कर रही, लेकिन बेटर है दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा, वो आदमी हो चुका है, और इंस्टेड ऑफ दैट वो उनका दुश्मन भी है। शी कैप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, तब तक साफ करती थी जब तक उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा साफ नहीं हो गया, बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो सकी हाना में कि वो उसको पलटी दिलवा सके। वेर वॉज सदाव, सदाव कहाँ है, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज अनएक्शियस अगेन, एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, द लेस द मैन बी चिल्ड शी पुट द टॉयलेट ओवर हिम। गाइज यहाँ एक नया वर्ड है एबिंग, EBBING, दिस वर्ड स्टैंड फॉर डिक्लाइनिंग, तो यहाँ नाउ हर एंगर वॉज डिक्लाइनिंग, मतलब अब उसका गुस्सा जो पहले यूमी दिला गई थी वो थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन उसकी जो चिंता है वो दोबारा से बढ़ रही है। तो चिंता में वो खड़ी होती है वाइपिंग हर हैंड्स, तो इस चिंता में उसने क्या किया, गलत तौलिए से अपने हाथ साफ कर लिए, लेकिन जैसे उसने महसूस किया कि इंसान की बॉडी ठंडी पड़ रही है तो उसने फटाफट से रजाई ली और उसको कवर अप कर दिया। सदाओ, तभी वो चिल्लाई सदाओ, He had been about to come in when she called. और देखो हुआ ऐसा, जैसे ही हमारी हाना ने आवाज़ लगाई हमारा सदाव भी दरवाजे पर खड़ा है, मतलब he was ready to enter into the room. His hand had been on the door. उसका हाथ दरवाजे पर था और उसने उसको खोला दरवाजे को, और जैसे दरवाज़ा खुला तो हाना ने देखा कि हमारा सदाव आ गया, उसके हाथ में क्या है, उसका सर्जन वाला इमरजेंसी बैग और उसने अपना सर्जन वाला कोट पहन रखा है। You have decided to operate. और जैसे ही हमारी हाना ने देखा तो उसने क्वेश्चन पुट किया, तुम इसका ऑपरेशन करोगे, तो हमारे सदाव ने जवाब दिया यस, ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, हाना की तरफ अपनी कमर कर ली एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल, स्टरलाइज्ड टॉवल कौन सा होता है, कीटाणु रहित तौलिया, उसको बिछाया और उसके ऊपर अपने सारे के सारे जो टूल्स हैं लाइक टोकोनोमाइल क्लोव एंड पुट हिज दिस इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, उसने क्या किया अपने शोकेस के लिए बने सारे के सारे आले जो चीज़ें थी वो सारे के सारे बिछा दिए और इसके ऊपर अपने सारे औजार रख दिए एंड फर्स्ट टॉवल्स, और बोला कि जाओ तुम तौलिया ले आओ। गाइज हियर इज अगेन अ वर्ड अल्को, ALCOVE, दिस वर्ड स्टैंड फॉर रिसेस इन द वॉल, मतलब दीवार में कई बार हम एक झांकी या आला सा बना लेते हैं जिसमें कोई भी सामान प्लेस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्को, और स्टरलाइज मैंने आपको बताई दिया मेड जम फ्री
got it?